Good morning everyone. So today we are going to study EVS of standard first. Let me start with a new chapter, children, about the chapter number 20, the earth. Today we are going to see about the environment. Okay, that with the earth. The topic we are going to see, that is earth. You know what is earth? जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? Earth. We call as a earth. We all live on earth. Yes, isn't it, children? हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. वी ऑल लिव ऑन अर्थ. सो उसका शेप कैसा रहता है? इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल. यस, बिल्कुल एक बॉल के जैसा होता है. इट इज़ राउंड लाइक ए बॉल. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अपना जो अर्थ जो होते हैं, उस अर्थ किससे बनाया गया है? लैंड एंड वाटर. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. सो इन द अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? वाटर है. देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ. लैंड दैट इज 60%, आई कैन से द 60% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई द वाटर एंड रिमेनिंग द 40% वाटर रिमेनिंग दैट इज़ ऑन लैंड. ओके, सो देर इज़ मोर वाटर देन द लैंड ऑन द अर्थ. सो वी सी दिस वाटर. कैन यू सी द वाटर इन द पॉन्ड, रिवर, ओशियन? यस, पॉन्ड, रिवर, ocean. So we see this water in the form of pond, river, sea, etc. Okay, so land is not same. ये पूरा land है, जैसे कि यहाँ पे mountains दिखाई दे रहे हैं, hills है, और दो mountain के बीच में जो छोटा सा जो पार हो रहा है जगह होता है, narrow, and that we call valley. Yes, ये बड़ा बड़ा mountains है और ये छोटा छोटा पहाड़ है, स्मॉल स्मॉल हिल्स. ओके, सो लैंड इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस. हर एक जगह पे लैंड सेम नहीं रहता है. कोई छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है. सो एवरीवेयर इज डिफरेंट शेप एंड साइज. इन सम प्लेस द लैंड इज वेरी हाई. कोई कोई जगह पे लैंड बहुत बड़ा बड़ा रहता है, एंड दैट वी कॉल्ड अस माउंटेन्स. राइट, सम हाई लैंड्स, और जो बड़े बड़े लैंड्स जो बड़े होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड हिल्स. है ना, हिल्स भी बोला जाता है, बट दे आर नॉट हाई, उतना बड़ा नहीं होता जितना माउंटेन का जैसा होता है, बट दैट वी कॉल्ड एज हिल्स. सो द लैंड बिटवीन टू हिल्स, है ना, दो हिल्स के, दो हिल या दो माउंटेन के बीच जो जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं वैलीज. आई टोल्ड यू. सो रिवर फ्लो, जहाँ पानी कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द रिवर फ्लो थ्रू द वैली, एंड इट कनेक्ट्स टू द रिवर. Then you go to the plain. So flat land on the earth are called, जहाँ पर flat होते हैं. आपको दिखा था ये सब जो जो झाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं? Yes, small small houses, can you see? That is all flat. So flat land में, plain में, जहाँ पर हम घर बनाते हैं, buildings बनाते हैं, agricultures होते हैं, right? So फ्लैट लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन. सो मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन ओनली. जहाँ पे प्लेन होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, मंदिर होते हैं, टेम्पल, स्कूल, है ना, कार, मोटर बाइक, एवरीथिंग बाइक गो ऑन द लैंड इट्सेल्फ, इजंट इट चिल्ड्रन? सो ऑल द फ्लैट लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड प्लेन. सो मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन ओनली. वी यूज द ग्लोब, है ना, इसको ग्लोब बोलते हैं. यस, इट इज़ अ अर्थ. इसी तरह राउंड शेप में रहता है, और इसी के अंदर ये पूरा एवरीथिंग, द कॉन्टिनेंट, द एंटायर अर्थ. वी यूज द ग्लोब एज अ मॉडल ऑफ द अर्थ वेयर वी लीव. यस, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. इट इज राउंड लाइक ए बॉल. तो कौन सा शेप है ये? अर्थ. जंबल में दिया है, दिस ऑल जंबल. वी ऑल लिव ऑन दिस अर्थ. This is a jumbled letter they have given. We have to arrange the letter. We have to make a word properly. This is earth. This is a flat land. So what we call plain. River flow this. River water, where the river water come from? Valley. We have to write here. They are not as high as the mountain hills. Okay, so jumbled letter there, we have to form a word. Okay, dear children, we'll provide the notes which is given in the page number 68 and write in the notes. Yes, thank you.